मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वचन लेकर आए हैं। यदि आप इन वचनों को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, इन वचनों के द्वारा इन वचनों का अंगीकार करते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको जो रात में डरावने सपने आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। आपके ऊपर आने वाली जो आपके ऊपर अचानक मुसीबतें आ जाती है या आने वाली मुसीबतें आपके ऊपर जो भी होंगे, प्रभु आपको उन पर से दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आपको सुख शांति की नींद प्रदान करेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इन वचनों को जरूर याद करें और डेली सुबह शाम प्रार्थना में शामिल करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 25 और 26। तुम ना तो अचानक पड़ने वाले आतंक से और ना दुष्टों के आक्रमण से डरोगे। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, प्रभु का वचन कहता है, तुम ना तो अचानक पड़ने वाले आतंक से, आपके ऊपर जो भी समस्याएं अचानक आ जाती है, आप उनसे नहीं डरेंगे। ना मेरे दोस्तों, आपके ऊपर जो भी आक्रमण करते हैं, जो भी बीमारियां हो या कोई भी समस्याएं आपके ऊपर आक्रमण करती है अचानक, तो आप उनसे नहीं घबराएंगे। आप लोग हिम्मत बनाए रहेंगे, आप लोग प्रभु पर भरोसा रखेंगे। मेरे प्यारे मसीह बहनों, 26वां वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। मेरे प्यारे मसीह बहनों, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग जब भी आपके ऊपर अचानक कोई भी मुसीबतें आएंगे, तो आप लोग नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको प्रभु पे भरोसा होगा, क्योंकि प्रभु आपको हर एक मुसीबतों से निकालेगा, आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। दूसरा वचन है दूसरा तिमिथियुस अध्याय 1 पद संख्या 7। परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग सोने से पहले इन वचनों का जरूर अंगीकार करें, क्योंकि मेरे दोस्तों, प्रभु हमें डर का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है, यह प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। मेरे दोस्तों, आप लोग सोने से पहले इन वचनों का अंगीकार जरूर करें। आप लोग बोलें कि प्रभु आपने हमें डर का नहीं, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। मैं किसी भी मुसीबतों से नहीं डरूंगा, मैं कोई भी चीज़ से नहीं डरूंगा। आप लोग इन वचनों का अंगीकार करके सोएं, आपके जीवन में आपको कभी भी कोई चीज़ों से डर नहीं लगेगा। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 22। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उनके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा अपने भक्तों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। मेरे दोस्तों, यदि आप प्रभु के भक्त हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु आपको हर एक परिस्थिति में, आपके ऊपर कोई भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, आपके ऊपर मौत क्यों ना आ जाए, प्रभु आपको हर एक मुसीबतों से बचाएगा और आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों का विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे दोस्तों, प्रभु आपको जरूर रक्षा करेगा, प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। तो आप लोग इन वचनों के द्वारा जरूर प्रार्थना करें। प्रभु का अगला वचन है भजन संहिता 91 पद संख्या 14। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उनकी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको हर एक मुसीबतों से आज़ाद करेंगे, आपका हर एक दुखों से उद्धार करेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि आप प्रभु का नाम जानते हैं, इसलिए प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु पे विश्वास करें, उनके वचनों पर विश्वास करें, उनकी आज्ञाओं पर चले, उनके वचनों पर चले मेरे दोस्तों, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु पवित्र है और प्रभु हम लोगों को भी पवित्र रहने के लिए बोलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग हर एक पापों से, हर एक दुष्ट व्यवहारों से बचे रहें और प्रभु की आज्ञाओं पर चले, तो प्रभु आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबों को जय मसीह की।